कला और संस्कृति के महानगर कलकत्ता में जन्मे विकास भट्टाचार्य जी आजादी के बाद के उन चित्रकारों में से एक हैं जिन्होंने जनता के सपनों को बिखरते हुए देखा है, कलकत्ता की गलियों में जिंदगी को दम तोड़ते देखा है। एक परंपरागत बंगाली परिवार में जन्मे विकास बाबू की भारतीय संस्कृति की जड़ों में गहरी आस्था है। उनका सच्चा विश्वास आज भी मातृभूमि की सेवा में है, बावजूद इसके कि उन्होंने आजादी के बाद के दशकों की दुखद कहानी अपने चित्रों में बयान की है। उनके चित्रों में आम आदमी के न्याय की गुहार है। जनता की आवाज को उन्होंने राजनीति के बंद गलियारों में पहुंचाया है। एक संवेदनशील कलाकार के नाते उन्होंने अपने चित्रों के साथ पूरा न्याय किया है। इस बात के साक्षी स्वयं उनके चित्र हैं। Staying at uncle's house, that wasn't very happy, not at all, because we were almost often all the times cautioned just like that. You can't expect this and that, etc. like that. This was our childhood, or my childhood partly. But every child, etc., he needs little bit that the vacation, so opening from somewhere here and there. And I used to dream, if I have the wings to fly. When I painted one boy, so that boy has two wings. I see. It was better. That was my story. पिता की बचपन में एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद विकास अपनी माँ और छोटे भाई के साथ अपने मामा के घर रहे, लेकिन पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद हर चीज पराई थी। सगे संबंधियों ने भी साथ नहीं दिया। बचपन की वो कड़वी यादें आज भी विकास के साथ हैं। हर पल एक असुरक्षा के दायरे में पलता बचपन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था। उस अंधेरी दुनिया में यदि कोई सहारा था तो वो थी मां। बचपन से ही विकास की इच्छा एक कलाकार बनने की थी, लेकिन क्या पता था कि विकास जैसा परिस्थितियों से घिरा नन्हा बालक एक दिन महान कलाकार बनेगा, जिसने जिंदगी की कठोर सच्चाई से बचपन में ही दो दो हाथ कर लिए हों, उसे भला रोक भी कौन सकता है। गली मोहल्लों में रहने वाले अनाथ बच्चों की ही तरह विकास को अपना जीवन भी उन्हीं की तरह लगता था। I don't think he was taken much care of because he was almost, you know, he lost his father very early in his life when he was a boy of six. He had to be taken care of by his maternal uncles. His widowed mother was there, very poor, and Vikas had to struggle very hard. But being a very sensitive boy, and as a boy born with great talent for art, naturally he had his, despite difficulties, despite hostile circumstances, he had to grow up and build up his one own world. जिंदगी की कठोर सच्चाई से जूझते हुए विकास ने अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत की। उन्हें कलकत्ता के इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप में कला सीखने का अवसर मिला। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा पाने के बाद विकास बाबू ने सफलतापूर्वक फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में अपनी कला यात्रा शुरू की। Another thing, because he was a very struggling boy, he became very much aware of the hard realities around. So you will find that right from the beginning, he is a figurative painter. He trained himself in painting real people of flesh and blood. कलकत्ता शहर को विकास बाबू ने अपने चित्रों में नए अर्थों में जिंदा कर दिया। तंग गलियों में पलती तमाम जिंदगियों को विकास ने नए अर्थों में ढाला, जीवन के हर पहलू को छुआ। वो सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि विकास बाबू अपने समय और समाज के प्रति सजग कलाकार हैं। He was a boy living in northern part of the city, where less affluent people live, in congested part of the city, you know, old ruined houses, you know, narrow lanes and violence, and near the slums. So people, too many people, the density of population itself
you know, make you aware of the realities of life. And consciously or unconsciously, he had that awareness of life, which had greatly helped him to formulate not only the content of his paintings, but also the language. Vikas Babu ki kala ki drishti se 20th sadi ka 7th dashak kafi mahatvapurna raha. इन चित्रों में समय और समाज का सही चित्रण हुआ है. अपने समय की राजनीति के प्रति विकास का, व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है, वो न केवल समाज में फैली बुराइयों को दर्शाता है, बल्कि रंगों के सहारे जो चित्रों की अभिव्यक्ति हुई है, उनमें आजादी से मोहभंग की तस्वीर साफ झलकती है. Don't do anything, Sita, which you don't believe in, Sita. And another thing, he was my teacher early stage when I was in school. Look, he's a Bengali teacher. He said one Bengali word. It's very right to say. If I said, because I must say in Bengali, but that amon kichu korbi na ja loker mongol kore na. But just say, please don't do anything like that, which will be very peace to other people. So this is mongol kar, mongol, mongol maya. Otherwise, don't do it. Don't do it. Don't do it. Anything evil, which is very correct. बचपन में एक बार दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते समय जब विकास दा ने एक कलाकार की निष्ठा, भक्तिभाव और माँ के प्रति स्नेह देखा, तो वो घटना उनके जीवन पर एक अमिट छाप बनकर रह गई. उन्होंने स्त्री को कई रूपों में चित्रित किया है. उनके कई चित्रों में हम स्त्री का जो रूप देखते हैं, उनमें सर्वप्रथम माँ के रूप में, नन्ही बच्ची को गुड़िया के रूप में, कई जगह वेदना, दुखों और संताप से पीड़ित पत्नी, नारी के रूप में, और यही नहीं, प्रेयसी के रूप में भी. He mastered in the art of painting real people, the subtle nuances of their passions, of their sufferings, of their happiness, or the complexities of life. All reflected in their face. This, if you look at Bikash's paintings, which most of which are portrait based, you know, there is always a human figure, woman, man, children, child. He started major series, of course, at the doll, but the doll itself become a living being. Did you notice that? You will find the empty roads, walls, and you can see the glimpse of a doll. The doll is behaving not as a doll, but as a real being, a real child. And emptiness everywhere, the drab, you know, places around, and the doll, you know, is a character as if in the theater of a big city. ईश्वर द्वारा रचित ये संसार, उसका मानव और मानव द्वारा उपजी कला जब एक बार प्रकट हुई, तो फिर उसने कभी भी मानव जाति का हाथ नहीं छोड़ा. मनुष्य किन्हीं भी परिस्थितियों में क्यों न जीता रहा हो, कला की उसकी प्यास सदा अमिट रही है. यही कारण है कि पृथ्वी पर कला की विविधता आश्चर्यजनक है. 1971-72-3 का टाइम का बात बोलता है. उसके बाद कलकत्ता मार्केट स्क्वायर में देखा उसका पेंटिंग ऑक्शन होता है. उसी टाइम में, उसी जमाना में कोई आदमी लोग पेंटिंग नहीं खरीदता, लेकिन वो ऑक्शन में विकास बच्चन का पेंटिंग तो हम देखते हैं 10 रुपया से हम लोग को ऑक्शन करता है. बढ़ते 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 तो 500 भी तक चल जाता. उसी टाइम से भी उसका पेंटिंग का आदत बहुत. अभी तो उसका प्राइस बहुत महंगा है, लेकिन आर्टिस्ट काम के लिए वो एक दिन भी रेस्ट नहीं था. उसका काम हर रोज चलता है.
एक दिन उनका घर गया, मिसेस गांधी का पोर्ट्रेट का कमीशन मिला, तो उस दिन हम देखा वो कैसे पेंटिंग करता है। एकदम दो व्हाइट कैनवास पर तीन चार लाइन है, और हम गया देख करके हमारा मालूम हुआ उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक छोटा कुर्सी लेकर के हम बैठ गया। उसके बाद वो एक दफ़ा पेंट कैनवास का फंस जाता है, उसका पर फिर आता है प्लेट पर, ऐसे ऐसे होने का बस जस्ट 5 मिनट से वो ब्रास कैसे हिलाया तो एकदम मिसेस गांधी का पोर्ट्रेट चलाया। वो देख करके हमारा मालूम होता है ये आर्टिस्ट है क्या मैजिशियन है। ये हमारा लाइफ में एक मेमोरी है जो कभी हम इरेज नहीं कर सकता, उसका नाम लेने से ही हमको उसी टाइम का बाद हमारा मेमोरी में आता है जे एक सीधा ब्रश में कैसे मिसेस गांधी का वो व्हाइट चूल और ब्लैक चूल बना के ऐसे पोर्ट्रेट कर दिया। हम बोला जी आपको पेंटिंग तो सर अभी हो गया, बोला हाँ हाँ का दो दिन ड्राई हो जाए उसके बाद एक घसा देगा तो हो जाए, काम तो ऐसे ही होना चाहिए। ये बात जो वो बोला तो उसके बाद हम सोचता है, हम बोला जी आप इतना ब्रास हैंडल किया है, कहीं ब्रास का हैंडल से कहीं काला कुछ नहीं लगा, बोले नहीं नहीं अच्छा आर्टिस्ट काम करेगा तो ब्रास का फेदर का फ्रंट में कलर रहेगा, हैंडल में कलर लगने का जरूरत की काम तो फेदर से होगा तो हैंडल में कलर लगे। ये हम एक सीखा उनसे जैसे डिसिप्लिन से काम करेगा, ब्रास का हैंडल में कलर रखना अच्छा नहीं, उसका डिसिप्लिन पहला से हम ये सब देखा है। उसके बाद उसका कोई लिंसीडॉल का शीशी है, उसमें कोई शीशी उसी जबड़ा उबड़ा नहीं है, एकदम क्लीन ऑलवेज उसका काम देखता है, क्लीन आदमी में क्लीन बात में क्लीन। विकास एक सजग पाठक भी हैं। रोज की अखबार की खबरें उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं, जहां समाज में इतना कुछ घट रहा हो और उस घटने में आम आदमी का महत्व भी घट रहा हो तो विकास के चित्रों से फूलों और बागीचों की उम्मीदें बेमानी हैं। I must say that first that look Indira Gandhi when she wasn't in the power, she wasn't in the power in my message after the Manjushree. I had my show at yes at Dhumimal. Straightway came up and told her secretary, please ab jaiye hum thoda seedhe baat karenge. Asked me one question, look, you are such a young person, can't you see something very, you know, that very positive, something like that, full of life, etc. Why so bitter? Why you are so bitter? Then I was very, you know, that what to do, what to answer. Then absolutely spontaneously answer, madam, you asked a very valid question. See, I'm the man from Calcutta, think it about that. When I went to see the market just to buy some flower, what would see? All the flowers, they used to chopped up like that, like that way, that's all the muttons and things, etc. And just to making little bit of fresh, etc., putting the dye on it and selling to the papers. Our flower reaction to the market, etc., from the Calcutta, etc., it is almost like that. Day by day, we are seeing all those things. How could you expect we go for Satan to flower from the garden, etc.? We can't see. She said, really? Bole, yes, we must see. Throughout your painting career, you have painted canvases, you know, you have portrait of women. Yeah. Shishiris, I do not know, I cannot count in right now how many paintings of shishiris you have done. Now, your attitude to women, it is very complex. You are very sympathetic, but at the same time, very critical. And sometimes, you know, this seems to symbolize not merely women as a class, but also sometimes the degeneration of the society as a whole. Very clear. Why you have done that? Why you have chosen women
Look what example. See the painting here. This family, because I used to know this lady very closely because they were my neighbor. Mostly Sudhanshu or Himanshu, there was a two brother. Most of all, Sudhanshu Babu, look, she, look, he got married to this one. They are the joint family. But due to this lady's presence over us, we call it the Bengali, it's actually jagrati. It's like Shetla. Shetla was like Shetla. The whole family has become departed. I'm just returning back from my college. It's 4:15 or something like that. In the evening light is just coming to the town. And she was almost backed absolutely open. She was wearing the sari with a choli. And she had a beautiful skin, absolutely. And this scarf is there. And the evening light absolutely smudged through her, all those back and etc. And she was little bit, due to the heat, etc., little bit, you know, that dots of that, you know, the sweat. Sweat is there. It was absolutely repelling. I couldn't, I stand over there like stupid. Stupid, absolute idiot way, etc. But she knew me, that's all. Later on, she turned back. Well, how are you saying? Okay, just to see that, because I have to see that common, sir. But I still remember that back. I was involved. I loved those skin and etc. She used to love herself, etc. When her, you know, that husband used to go to that, you know, that office, and everybody was empty. There was a kuotolas, all those wealthy, etc. And she loves just in front of everybody, is that almost like that era, when having the bath. There's an old fellow was there. He was blind, or that full of all the sweat, absolutely half-dead fellow. And the lady, all the times, absolutely, without any concern, just provoking him during her, you know, the bathing affair, etc. You know, the tension in between other things. The lady is love. Oh, it is a very, 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 it is not only adult, it is a very sensitive thing in it. Whenever all the old ladies used to see middle-aged herself just on the mirror, I don't know what she's looking about. It is something else, her past or something, her present condition, or the whole situation. It is very bit complex. If you ask the question, so let's say, it is there, human feeling. And I'm also getting older. I slowly, I also realized, now there, you know, how they have done. Human relation is very different. विकास की तस्वीरें बोलती इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने चाहे रंग हो या विषय समझौता कहीं नहीं किया। जिंदगी के हर पहलू पर विकास की पैनी दृष्टि रहती है। यही कारण है कि वो जिंदगी के सच को दर्शाने के कारण कई बार विवादों में भी रहे हैं। राम की गर्भेश आई नेवर मेट हिम इन दैट वे बट वन थिंग वेरी क्लियर वेरी सरप्राइजिंगली वन ऑफ आवर ग्रेट बंगाली राइटर ही हैज स्टार्टेड वन नॉवेलेट ऑन राम की गर्भेश लाइफ ऑफ नॉवेलिस्ट बुक इज हियर दे हैव प्रिंटेड एक्सेट्रा And I have done the illustration, full of those illustrations. Oh, yeah, that's right. And the first time I have done the illustration, yes, and that was the last time. You have painted. That's the last time I have done. So I started slowly for these books. I started slowly. Who was the Ram Ki Garbage? Because regularly I used to visit to that place. Look, Santiniketan, where he used to stay and etc. He was sick during that time. So. Very closely, and I met many people over there. And something happened to me for that, etc. When I went on walking, I was going for the studies, and at the time, I stopped doing all the watercolors for that. After 16 years, 17 years gap, I started for the watercolor, etc. I must say, my lifestyle and other things, everything has changed due to this book, due to this, etc. That's why, look, the place called Santiniketan to me is, whenever I see,
I used to see definitely through the eyes of David Ramkrishna Mage. विकास बाबू के अनुसार रंगों का प्रत्येक माध्यम अपने आप में कला की भिन्न अभिव्यक्ति है। उनका कहना है कि सभी माध्यमों में काम करके उनकी मनस्थिति सामान्य रही। यही कारण है कि जब एक अंतराल के बाद उन्हें समरेश बसु द्वारा लिखी किताब देखी नाई फिरे विदाउट लुकिंग बैक पर रंगों द्वारा कुछ चित्र चित्रण के लिए कहा गया तो वे तत्काल ही तैयार हो गए। रामकिंकर बैज जहां एक ओर समरेश बसु के व्यक्तित्व को प्रभावित कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर विकास बाबू पर भी अपनी कला की सोच का जादू डाल चुके थे। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, किंतु एक बात बिल्कुल सही है कि इन तीनों कलाकारों की संवेदनशीलता भावात्मक रूप में समान थी। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी विकास बाबू भारत के महानगर कलकत्ता में काफी अरसे से रह रहे हैं। संगीत के प्रति आपकी विशेष रुचि है। एल्डर ब्रदर के शादी में कलकत्ता में उसी टाइम में शादी के बरात के टाइम में वो भी आए थे उसी टाइम में। एक्चुअली दिस इज अरेंज मैरिज। वो उसी टाइम में मेरे फादर मदर ने उनको देखे, फिर उनका पेरेंट्स से बातचीत किए, उसी टाइम उन लोग भी बातचीत किए। मेरे फादर तो उनको नाम सुनकर ही उनको पसंद कर लिए। इसलिए उनका शौक है, उनका तो रीडिंग हैबिट है, फिर फोटोग्राफी, फिर खाने पीने की। हाँ, खाने पीने में वो बहुत शौकीन है। शांति निकेतन भी मेरा घर है। जब भी हमको मन होता है हम चले जाते हैं उधर। थोड़ा लाइफ थोड़ा अलग है ना, इधर सिटी लाइफ थोड़ा बिल्कुल अलग है। एज ए हस्बैंड इज वेरी गुड टू मी, देखो मेरे पर बहुत ख्याल रखते हैं शुरू से। उनका जब टेंशन हो जाता है कभी कभी डांटते, फिर भी उसके बाद वो अपने दुख ले, दुख हो जाता है बाद में, उन्हें हम सॉरी हम उस टाइम में मेरे को ये हो गया, गुस्सा हो गया, हम कुछ बोल दें, प्लीज डोंट माइंड। दो एक डॉक्टर हसन, मैं पापा से थोड़ा सीखना है पेंटिंग। नहीं, मेरे हस्बैंड का ये है कि वो बहुत बड़े हैं, ऐसे पोज एंड पोस्टर में वो कभी नहीं बाहर नहीं दिखाते, वो सबसे मिलना पसंद करते हैं कोई भी हो। I personally a great admirer of Vikas Bhattacharya, of his tremendous contribution in the field of contemporary in an art scenario. And I really at the same time I feel very unhappy that I really didn't get in touch with Vikas Bhattacharya, because when I came to know, he was teacher of this institute for a few years. And I don't know the reason behind, and he left this college, and perhaps I could have enjoyed with Vikasda more and more, along with my students, association with Vikasda. But he is a great painter of our time, and also the contemporary Indian arts scene. People, art lovers all over the world recognized because there's one of the very powerful and a very powerful creative painter of this time. जब हमारे देश के महान कलाकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी का देहावसान हुआ तो उनके स्टूडियो को राष्ट्रीय ललित कला केंद्र बनाने में विकास बाबू के साथ अन्य विद्वान कलाकारों ने जरा भी देर नहीं की। 1960 में सोसाइटी बॉर्न हुआ,
सोसाइटी ऑफ कंटेम्पोररी आर्टिस्ट कलकत्ता, ये हमारा धर्मतला में एक छोटा सा स्टूडियो है। हमारा ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा पेंटर भी है बड़ा भी है, लेकिन सबको ले करके इकट्ठा होकर के जब अड्डा जमता है तो विकास बाबू भी इतना बड़ा हुआ, लेकिन उसको को पद्मश्री भी मिला, लेकिन वो जब हम लोग के साथ बैठता है मालूम होता है एकदम एकदम बहुत नज़दीक का आदमी है। ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से निकलने के बाद विकास बाबू सहित कुछ प्रमुख कलाकारों ने मिलकर भारत की सबसे पहली सोसाइटी ऑफ कंटेम्पररी आर्टिस्ट ऑफ कलकत्ता की नींव डाली सन 1960 में। हठात ही थमके गिएछे समय, थेमे थमकेछे अनुभव, निशुति रातेर घुमेर पापड़ी भेंगेछे रात्रेर कलरव, ছড়িয়ে পড়ল আলোকিত কাচ মর্মর প্রাঙ্গণে, স্বর্ণলতিকা ফুপিয়ে উঠল অন্ধকার সন্ধ্যার রঙ্গণে, হৃদয়ে গোপনে চন্দন কাঠে অশরীরীর ভাস্কর বানালো নিপুণ মিথুন মূর্তি দারুময় প্রান্তর। সেই নেগেটিভ থিং কি ভালো লিখেছে?